जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम आदाब, गुड मॉर्निंग V3V2.0 फैमिली को मेरा एक बहुत प्यारा सा हेलो। तो आज हम निकल चुके हैं एक नई ट्रिप पर। आज मिले हम 5 यार और बस रैंडम प्लान बना तो सोचा चलें कहीं चलते हैं, मौसम है ठंड का तो चलो क्यों ना मछली खा कर आई जाए। तो अब बस निकल चुके हैं घर से गुलरबोज डैम की तरफ, जिसे हरिपुरा बैराज भी कहते हैं। और ये अब हम लोग यहाँ पहुँचे, मैं उतर रहा हूँ गाड़ी से और आपको दिखाता हूँ साइड से सारा का सारा एरिया कैसा है। ये सामने आप देखें छोटे छोटे कैंप लगे हुए हैं, यहाँ फिश बिक रही हैं। ये सब ऊपर जो रोड दिख रही है, इसके उधर साइड पानी है जो रिजर्वायर है, और ये आगे यहाँ की मंडी, डैम की ताज़ा मछली अंदर ही मिलती है। तो अब चले अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलता है। और ये क्या पहुँचते, कृपया फ्री में मछली मांगकर शर्मिंदा ना करें। तो भाई साहब क्यों करते हो शर्मिंदा, जो इन बेचारों को इतना खर्चा बोट पे करना पड़ा। यहाँ बन रही हैं बोट जो चलती हैं उधर पानी में, जो पकड़ते हैं मछली मछुआरे और लाके बेचते हैं यहाँ पे, ताकि हम जैसे लोग यहाँ ख़रीद सकें। अरे ये देखें भाई साहब मछली की बार्गेन होते हुए, ये बहुत बढ़िया सा पानी यहाँ से बह रहा है, जो रिजर्वायर में से आ रहा है, मज़ा आ गया। अब जो है साहब ये देखें आप, मछली बर्फ़ में लगी हुई है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होती हैं यहाँ से। अब यहाँ इतनी मछली हम जैसे लोग तो खाएँगे नहीं, थोड़ी थोड़ी खाएँगे, बाकी सब यहाँ से हो जाती है एक्सपोर्ट। और ये छोटी छोटी मछलियाँ, और ये ज़िंदा मछलियाँ भी हैं जो किसी को चाहिए कि मैं ज़िंदा एकदम अपने सामने से लूँ। ये हम लोगों ने ख़रीदी है तकरीबन 4 किलो की मछली, और ये कट गई यहाँ पे सरकारी दसी, जिसमें हम लोग को पड़ा 220 रुपये किलो का रेट, शायद 790 की एक पड़ी हमें। और ये देखें मेरे हाथ में, मैं कैसे मछली से खेल रहा हूँ, जैसे मछलियाँ मैंने बचपन से पाली हैं, ऐसा है जैसे मैंने इन्हें बचपन से बच्चों की तरह पाला है और अभी इन्हें खिलाने के लिए ले जा रहा हूँ बाहर की, आओ तो मैं धूप में टला के लाऊँ, जबकि हम बेचारे इनको जा रहे हैं खाने के लिए। अब ये मुझे देख के जोश चढ़ा मेहरान भाई को कि भाई मैं भी फ़ोटो खिंचवाऊँगा, तो मैंने कहा लें भाई सब संभालें इसे पकड़ें, लेकिन ये एक कला है इन्हें संभालना भी। ये देखें इन्हें संभाल ही नहीं रही, और ये गिरते गिरते बची, देखिए मैंने कैसे पकड़ा कैच किया और बचा लिया इन मछलियों को ज़मीन में गिरने से। तो चलें अब ये लोग इतने बना लें रील, मैं हाथ धो लूँ यार, हाथ गंदे हो गए थे पूरे, ब्लड में हो गए थे और उसमें से बड़ी स्मेल भी आ रही थी। तो चलो इन लोग को करने दो एंजॉय, और मैं चलता हूँ हाथ धोने और दिखाता हूँ आपको आगे का व्यू। तो भाई जो लोग वेजिटेरियन है वो स्किप कर दें प्लीज़। और ये होने लगी मछली की कटाई, जो होती है 10 रुपये किलो, कहीं से भी कटवा लो, बाहर इतने कैंप हैं। और भाई यहाँ कटवा ली मछली, और मैंने गाड़ी मैंने निकाली, कॉल यारों को मिला ली और कहा कि आओ मछली मैंने कटवा ली, अब आओ करवाते हैं फ्राई। तो अब यहाँ से हम निकल चुके हैं, यहाँ साइड में छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं जहाँ पे आप जाएं अपनी फ़िश लेके, और जो आपको करवाना हो, फ्राई कराना हो, ग्रेवी बनवानी हो, जो भी है वो आपको बना के देते हैं। आप बहुत एक मामूली सा पैसा लेते हैं, 100 रुपये किलो या 120 रुपये किलो लेते हैं। तो हम वहीं की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब यहाँ बनने के लिए देते हैं, इतने बनेगी, खाएंगे, फिर घूमेंगे, फिर खाएंगे। और यहाँ हम लोगों ने की थोड़ी सी ओवर एक्टिंग, क्यों, क्योंकि हमें रील बनवानी थी, तो उसमें हम लोग को ऐसे फील करना था जैसे कि हमारी रैंडम क्लिप हो। तो हमने बात करने की करी एक्टिंग, इतने मछली हम लोगों ने दे दी वहाँ बनने के लिए। तो यहाँ धुलाई का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, यहाँ धुलेगी अच्छे से। और ये बना हुआ है इनका ओपन किचन, यहाँ पे आप ख़ुद अपने सामने देख सकते हैं ये लोग कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी एक तरह से डाउट नहीं होगा कि कहीं उल्टी चीज़ें ना बनाएं, गंदगी से ना बनाएं, ख़राब चीज़ यूज़ ना करें, सब कुछ आपके सामने होगा यहाँ पर। ये सबके अलग अलग चढ़े हुए हैं कढ़ाई, क्योंकि काफ़ी लोग थे यहाँ पर, काफ़ी फैमिलीज़ भी थी, अलग अलग पोर्शन बना रखे हैं, 1, 2, 3, 4 करके उसके नंबर दे रखा है। अब ये देखें हमारी फ़िश फ्राई होने के लिए चली गई तेल में, और कैसे उबाल आ रहा है, इसे देख के मुँह में पानी आने लगा था। तो इसके बाद बस वेट करना भारी पड़ गया कि कब ये बन के तैयार हो और कब हमारे सामने प्लेट में आए। और ये देखें बहुत ही ज़्यादा लजीज लग रही है बनने के बाद। यहाँ सब लोगों के मोबाइल निकल आए क्योंकि सब लोगों को रील्स स्टोरीज, ये भूत चढ़ा हुआ है ना स्नैप का यार। तो भाई बुरी तरीके से ठूस ठूस के खाने के बाद हम लोग निकले सैर सपाटे के लिए, क्योंकि सोचा भाई पेट खाली होना भी ज़रूरी है, तभी तो शाम का खा पाएंगे। क्योंकि खा तो इतना लिया था कि 2 दिन का इकट्ठा एक ही वक्त में खा लिया था, लेकिन सोचा चलो कोई नहीं, अब जब ले लिया है, बनवा लिया है, तो खाना तो पड़ेगा, पेट अपना है, भर लो। तो हम लोग निकले हैं ऊपर रिजर्वायर की तरफ घूमने के लिए, बराज की तरफ। और मैं निकला हूँ संदूक से बाहर क्योंकि मुझे अपनी गाड़ी में तो फिर ये मौका कभी मिलता नहीं है, क्योंकि हमेशा मैं ड्राइविंग सीट पर होता हूँ। आज मेहरान भाई की गाड़ी में ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं संदूक में से बाहर निकल पाया, और देखें मेरे चेहरे की खुशी ही अलग है। तो सनरूफ की गाड़ी मैंने ली, बहुत शौक से थी, और मैं वही अपना शौक पूरा नहीं कर पाया। देख पीछे का, और ये देखें रिजर्वायर के अबे बीच में डाल दिया इन्होंने यार, ये पूरा आपको ऐसा वाइब देता है किसी समुद्र के किनारे। बाकी हम लोग को अब जाना है इधर लेफ्ट की तरफ, बहुत दूर कम से कम 3 किलोमीटर। और ये देखें मैं री बनाने के चक्कर में उतरा और भागा भागा जा रहा हूँ गाड़ी के पास, मुझे बिठा लो भाई, बिठा लो, रोक लो। चलिए हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं आगे यहाँ पे मछलियों का शिकार जो हो रहा है, किस तरह से मछली पकड़ते हैं, और फिर वो वहाँ जाती हैं जहाँ से हमने ख़रीदी है, वहाँ बिकते हैं, हम जैसे ग्राहक वहाँ ख़रीदते हैं।
देख कितना ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। इस नज़ारे के लिए 2.5 घंटे सफ़र करके आना वर्थ है भाई, वर्थ। ये हमारे घर से 2.5 घंटे का ट्रैवल है। तो चले अब आगे गाड़ी पार्क करते हैं, आगे चलते हैं पैदल। हम लोग हैं गुलरबोई डैम, क्या हरिपुरा डैम। अब यहाँ पर अभी दिखाते हैं आपको मछली का जाल लगा हुआ है, बहुत बड़ा जाल लगा हुआ है, उसे वो लोग खींच रहे हैं। देखते हैं कितनी मछलियाँ मिलती हैं। और बाकी पीछे चल रही है स्पीड बोट्स, और कार बहुत दूर पार्क की है, वहाँ से पैदल आ रहे हैं। इस चक्कर में हालत ये हुई भी है, गर्मी, धूप बहुत तेज़ है। दिसंबर का महीना है लेकिन फिर भी धूप बहुत तेज़ है। अब दिखा दूँगा आपको बैक कैमरे से। ये देखें स्पीड बोट्स चल रही हैं, इस पर जाके ही बात करते हैं हम लोग क्या इसके रेट हैं, और हो सकेगा तो हम इस पर भी अभी राइड लेंगे। बाकी जो मैं जाल की बात कर रहा था, यह है वो जाल। अब देखते हैं इसमें, आपको भी दिखाते हैं मछलियाँ इसमें आएंगी निकल के। बाकी सब दोस्त सादिक वीरा, आगे 4-5 जने और हैं। अभी पहले जाल निकले, जाल निकलवा के मछली दिखा के आपको आगे बढ़ूंगा मैं। अब हो सकता मगर मछली हो। समझा दूंगा, हो जाएगा रिश्ता वहीं। अरे हैं इसमें वहीं हो जाएगा, ठेकेदार नहीं मान जाएंगे। चलो मैं भी जाऊं फिर, रिश्ते हो रहा है तो। बहुत है यार, ये आ चुके हैं इतनी बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ। अभी से बोट में पलटेंगे। भाई साहब ये बिकेंगी अंदर? कहाँ बिकेंगी? देख ली होंगी आपने मछलियाँ निकली हैं, क्या चाले कहते हैं, छोटी छोटी मछलियाँ। अभी यहाँ से लेके जाएंगे बोट आगे, और वहाँ पे लगती है इसकी मंडी, वहाँ बिकेंगी ये। अभी हम लोगों ने भी मछली खरीदी है, वो मिली हमें 220 रुपये किलो तकरीबन। उसके बाद हम लोगों ने वो कटवाई, उसके मैं शॉर्ट्स डाल दूंगा, और उसके बाद हमने पकने के लिए दे दी। यहाँ पर सारी फैसिलिटी है कि आप यहाँ पे यहीं से शिकार होता है, यहाँ से आप लोग पसंद करें मछली। पीछे मंडी है एक तरह की, गोडाउन है, वहाँ पे ख़रीदें आप, वहाँ पे वेट कराएं, पर्ची कटेगी वहाँ पे। उसके बाद बाहर लाके आप लोग 10 रुपये किलो के हिसाब से कटिंग वाला लेता है, उसके बाद बनाने वाला लेता है आपका तकरीबन 50-60 रुपये किलो बनाने वाला लेता है। अब इतने हमारी मछली बन रही है, इतने हम लोग जा रहे हैं आगे बैराज पे घूमने के लिए, मोटर बोट का देखने के लिए। चले दिखाते हैं आपको आगे। ये आप व्यू देख सकते हैं, ये नीचे जो है यहाँ का गेस्ट हाउस है, यहाँ पे आप लोग रूम्स वगैरह बुक कर सकते हैं। और ये देखें कैसे लहर आ रही है भाई साहब, ये पूरा आपको समुंदर वाली वाइब्स देता है। ये एक डैम है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है, बाकी यहाँ फिशिंग होती है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी हैं। आगे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउड है, मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगा। बाकी नीचे पार्किंग है, ये हम लोग ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पहले कार हम लोग ले आते थे लेकिन अब कार सिर्फ पीछे तक रहती हैं। और ये जितने भी आप नीचे देख रहे हैं घर हैं यहाँ लोकल्स के, यहाँ पे आप लोग अपनी मछली दे सकते हैं बनवाने के लिए, वरना होटल्स भी हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी सारी चीज़ें दिखाऊंगा। बने रहें V3V2.0 के साथ। नीचे है आपका रिजॉर्ट बोर जलाशय, बाकी नीचे पार्किंग, और यहाँ से आपकी आगे एंट्री जहाँ पे आपका वाटर स्पोर्ट्स वगैरह हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है डॉक, और ये पूरा बना हुआ है घूमने के लिए, पूरा आपका आगे बैराज वाला पोर्शन है, वहाँ से नीचे उतर के आप लोग पानी में मतलब नीचे हाथ पैर डाल के बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं। और ये आगे आपका काउंटर। अब यहाँ देखते हैं कि क्या रेट हैं, टोटल एक्टिविटी, स्पीड बोट 10 मिनट 250 पर पर्सन, जेट्स की 2 किलोमीटर 350, जेट्स की बनाना राइड, बम्पर राइड, वाटर सर्फिंग, फैंटम बोट, मोटर बोट, डोनेट बोट, कयाक बोट, लग्जरी बोट, जेट्स की, सेल्फ राइड, प्री वेडिंग शूट्स भी होते हैं यहाँ पे, आधे घंटे का 6,000 रुपये। बाकी पहले कॉल करने पर 10% की छूट है। ये आप देख सकते हैं पूरा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके। अभी टिकट्स का देखते हैं कौन सी बोट करनी है। बाकी यहाँ पे पैरासेलिंग भी है लेकिन अभी इस वक्त बंद है, इसमें आपको पैराशूट में बिठा के और जो उड़ाते हैं ना थोड़ा थोड़ा पानी में आपको डिप कराएंगे वो वाला। ये जेट्स की खड़ी हुई है यहाँ पे, बाकी मोटर बोट, स्पीड बोट सब खड़ी हुई हैं। अभी देखते हैं, टिकट्स लेते हैं।
टिकट्स ले चुके हैं 6 लोगों के हैं, मोटर बोट के 10 मिनट 1500 रुपये 6 जनों के हैं। और ये आप देख सकते हैं पास से जेट्स की के मोटर हैं या महा के, ये आप देखें। वाओ, ये सब लोग अब यहाँ जैकेट्स पहनेंगे, लाइफ जैकेट पहन लिए जैकेट, और सब लोग पहन रहे हैं क्योंकि ये ज़रूरी है भाई, बाई चांस कोई मिस हैपनिंग होती है तो सेफ्टी फर्स्ट। बाकी बोट आ चुकी है पीछे, आप देखें कौन सी बोट में हमें मिलता है जाने को। डॉक पूरा हिल रहा है क्योंकि लहरें आई हैं। आ चुके हैं डॉक पर, पानी पानी, और ये देखें फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार। ये तो डॉक्टर जी पहले से भी आ रहे हैं, आप टाइमर सेट करो पहले, मुझे आगे ही नहीं बिठा दो भाई। निकल चुके हैं यहाँ से, बोट के अंदर और राइड शुरू हो चुकी है अपनी, मजा आ रहा है। बाकी यहाँ पे आगे मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, चले लेते हैं मजे, आपको भी दिलाते हैं मजे, देखें आप ब्लॉग। और मजे तो ले लो, फोटो खींच कर आओगे, अबे ले फोटो खींच। आ चुके हैं वापस रास्ते पे, उतर जा भाई, देखें कितनी खतरनाक हिल रही है। अबे तुम YouTube पे आओगे सब, आ चुके हैं बोट राइड के बाद, मजा आ गया भाई। 10 मिनट की राइड थी लेकिन वो 10 मिनट एक बहुत जबरदस्त 10 मिनट थे, 250 रुपये आपके वर्थ थे, मतलब 250 रुपये पर हेड वहाँ पे वेस्ट नहीं हुए, वो वर्थ थे भाई। टोटल 4 गेट्स, और ये आप देख सकते हैं नीचे पानी इस वक्त रुका हुआ है, वरना यहाँ से पानी चलता होता है नीचे, वहाँ नहाते हैं लोग। हमारे वहाँ के फोटो हैं कई साल पहले के जी भाई साहब, अच्छा फोटो। पूरे लोहे के बहुत हैवी डोर्स, सोचिए कितना ज़्यादा प्रेशर होता हुआ पानी का, इतना सारा पानी है और ये एक गेट इसे रोके हुआ है इस तरफ ना जाए, ये इसलिए स्टोर करते हैं यहाँ पे। एक तो लाइट का होता है, लाइट जनरेट होती है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ फिशिंग वगैरह होती है और वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, तो एक तरह का यहाँ का ये रेवेन्यू जनरेशन का तरीका है। बाकी इधर आप देख सकते हैं पूरा सूखा है, यहाँ कितना नीचे है सोचें, पानी नहीं है, और यहाँ कहाँ तक पानी, कितना ऊँचाई तक पानी है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी आपको दिख रहा होगा जाता हुआ। बाकी इधर फोटो शूट चल रहा है सब, लुक एट द व्यू मैन, यहाँ पे सब पिकनिक स्पॉट है, यहाँ फैमिली के साथ आए तो आप आराम से यहाँ पे खाना खाएं, चटाई वगैरह बिछा के, और जितनी ज़्यादा यहाँ पे शाम होती है उतना ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यार देखें ना फील, यहाँ आपके पेड़, गार्डन, उधर पानी, नीचे ग्रीनरी, ये सब रौनक हैं यहाँ जी। अच्छा ये देखे रौनक है, देख लें आप यहाँ पे। जो कुछ भी था खाना वगैरह वो हजम हो गया, बाल मेरे थोड़े अजीब हो गए हैं यहाँ हवाओं से उड़ उड़ के। बाकी अभी जाके हमारी क्या चावल और फिश करी रेडी होगी, जो यहाँ की स्पेशल एक डिश है जहाँ हम लोग बनवा रहे हैं, तो वो तैयार है, उसके बाद वो खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। घर का यहाँ से रास्ता कम से कम 2-2.5 घंटे का है, तो चलें।
भाई यहाँ पर बन रही है मछली, यहाँ आती हैं जब से पकड़ ली जाती हैं उसके बाद यहाँ पर आके रखी जाती हैं। यहाँ पर आके आप लोग तुलवाएं, उसकी स्लिप कटवाएं और स्लिप जब काट के आपकी मछली दे देंगे और यहाँ ले आएं। यहाँ पे आप 10 रुपए किलो के हिसाब से ये उसके पीसेस बना के पैक करके आपको दे देते हैं। देखते हैं बर्फ़ लग लग के जा रही हैं और सब में मछलियाँ हैं ताज़ी ताज़ी। अभी हमारे सामने जो हुई थी वो ये है और बाकी यहाँ पर आप ख़रीदें। हम लोगों ने ख़रीद के कटवा के यहाँ से पैक करा के ले जा रहे हैं, इसमें बर्फ़ वगैरह लगा लिया है। और ये इसकी यहाँ पे मंडी है जो यहाँ के अपने इनका सरकारी है, बाकी जो बेच रहे हैं बाहर वो सब अपने लोकल हैं। वहाँ पे भी सही मिल जाती हैं लेकिन वही है, अब यहाँ से ख़रीद लोगे तो ज़्यादा सस्ती पड़ेगी, बाहर से थोड़ी महंगी पड़ेगी। ये जितने भी आपको छोटे छोटे टेंट लग रहे हैं सब मछली बेच रहे हैं सारे के सारे। हमारी गाड़ी खड़ी है आगे होटल पर जहाँ पर हमारा खाना बन रहा है, तो चलें चलते हैं फिर मिलते हैं। ये आ चुका अपना डिनर, इसमें उन्होंने बना के दिया चावल और इसमें आपकी फ़िश ग्रेवी, ये डाल के ऐसे खा रहे हैं, पहली दफ़ा एक्सपीरियंस कर रहे हैं ऐसे। लंच में था फ्राई और अब ग्रेवी है चावलों के साथ। और ये आ गई कोल्ड ड्रिंक और ये फ्राई भी आ गई जो बची थी दोपहर। बाकी इस तरह से बने हुए हैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट, ढाबे टाइप बने हुए हैं यहाँ पे दो आप बनाने के लिए। कितने रुपए ले रहे हैं बनाई के? 150 किलो फ्राई के, 120 किलो ना। अबे नहीं गिरेगा ग्रेवी का 150 सही है यार। और बाकी अभी वहाँ से आ रहे हैं हम लोग ऊपर से आएंगे। जेके किराना स्टोर है, इन्होंने हट वगैरह बना रखी है, बाकी छोटे छोटे अंदर केबिन से बने हुए हैं, बाकी आप आउट ओपन सेटिंग में भी खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी इन्होंने फ्राई भी बहुत टेस्टी बनाया, प्लस ग्रेवी और चावल भी बहुत टेस्टी बनाया। कैसा लगा आपको खाना? बेहतरीन, दिल खुश कर दिया भाई है। सभी लोग के जबान पर यह है कि दिल खुश कर दिया। जो लेके जा रहा हूँ रख दी है, बाकी अब निकलते हैं यहाँ से। देर हो चुका है यहाँ, कितनी रौनक थी और अब बिल्कुल सुनसान हो चुकी है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, चलें मिलते हैं फिर। तो ऐसे ही बने रहें आप इस चैनल के साथ, V3V2.0 के साथ, देते रहें बहुत सारा प्यार। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अब यार फैला दो वीडियो ये। थैंक यू।